फ्रेंड्स, स्वागत है सबको हमारे यूट्यूब चैनल रंजन शेख पर। आज हम बात करेंगे एसी का क्रेन है जो कि 6040 इसका मॉडल है। इसके बारे में हम बात करेंगे, पूरा जानकारी आप लोगों को देंगे। ये क्रेन का मोटर का हॉर्स पावर कितना है, एसपी कितना है, कितना फ्री स्टैंडिंग हाइट है, पूरा जानकारी मैं आप लोग को देने वाला हूँ। लोड चार्ट के बारे में पूरा जानकारी मैं आप लोग को प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो आप जो है वीडियो को पूरा वॉच करो, बिल्कुल स्किप मत करो, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही जानकारी आपको मिलने वाला है। तो चलिए ट्रैफिक को शुरू करते हैं। तो आज हम बात करेंगे एसी का एक क्रेन है जो कि 6040 उसका मॉडल है। और ये जो क्रेन है वो 5 टन का है और ये क्रेन हैमर हेड क्रेन है, ये हेडलेस क्रेन नहीं है। सेम मॉडल का एक और भी क्रेन है जो कि ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये हैमर हेड है और दूसरा जो है 6040 वो हेडलेस क्रेन है। दोनों क्रेन का जो मॉडल सेम है, कैपेसिटी भी सेम है, पर दोनों का मतलब क्रेन का जो कैटेगरी है वो अलग अलग है। एक है हैमर हेड क्रेन और दूसरा है हेडलेस क्रेन। तो आज हम बात कर रहे हैं हैमर हेड क्रेन के बारे में। बात करते हैं इसका मेनजिप के बारे में। तो इसका जो मेनजिप है वो है 60 मीटर इसका मेनजिप का लेंथ है। और इसका बात करते हैं काउंटर जिप के बारे में। तो इसका काउंटर जिप है वो 13 मीटर 806 इसका मतलब काउंटर जिप का लेंथ है। उसके बाद बात करते हैं कि इसका फ्री स्टैंडिंग हाइट के बारे में। इसका जो फ्री स्टैंडिंग हाइट है वो 30 से लेकर 40 मीटर के बीच में इसका फ्री स्टैंडिंग हाइट है। फ्री स्टैंडिंग बोले तो विदाउट सपोर्ट का किरण खड़ा रह सकता है 30 से 40 मीटर के बीच में। मैक्सिमम इसका जो हाइट है मतलब एक क्रेन को हाइट मतलब हाइट तक काम कराने का जो मैक्सिमम हाइट होती है वो है इस क्रेन का 140 मीटर इसका मैक्सिमम हाइट है। बात करते हैं इसके बाद जो कि ट्रॉली मोटर, होस्टिंग मोटर और स्विंग मोटर के बारे में। कौन सा मोटर कितना किलोवाट का है वो सब जान लेते हैं। तो बात करते हैं होस्टिंग मोटर से। तो होस्टिंग मोटर जो है वो 7.5 किलोवाट का होस्टिंग मोटर है। बात करते हैं ट्रॉली मोटर के बारे में। तो ट्रॉली मोटर जो है वो 3.3 किलोवाट का है। बात करते हैं कि स्विंग मोटर के बारे में। स्विंग मोटर जो है वो 2.2 किलोवाट का दो मोटर लगा होती है। अभी बात करते हैं इसको होस्टिंग रोप। जो होस्टिंग रोप जो आते हैं फर्स्ट टाइम किरण के साथ में वो आपको आएगा 300 मीटर। इसका जो मास का जो हाइट है मतलब एक एक जो मास है इसका मास का जो हाइट है वो है 2 मीटर 800 इसका एक एक मास का हाइट है। आप बात करते हैं कि लोड चार्ट के बारे में। फोर फोल से शुरू करते हैं कि फोर फोल में लोड चार्ट में कौन सा रेडियस पे कौन सा मीटर पे कितना टन लोड आएगा। तो जैसे 0 से लेके 15 मीटर के बीच का मतलब केबिन से लेके जो 15 मीटर के बीच का जो रेडियस है उसमें आपका आएगा 5 टन। उसके बाद आपका आएगा 20 मीटर। तो 20 मीटर पे आपका आएगा 3.90 टन। उसके बाद आपका आएगा 30 मीटर पे आपका आएगा 2.40 टन। उसके बाद आपका आएगा 35 मीटर पे आपका जो लोड आएगा 1.91 टन। उसके बाद आपका आएगा 40 मीटर पे आपका जो लोड आएगा फोर फोल में वो आएगा 1.66 टन। उसके बाद आपका आएगा 45 पे जो आपका लोड आएगा 1.38 टन। उसके बाद आपका आएगा 50 मीटर पे जो आपका लोड आएगा फोर फोल में वो आएगा 1.23 टन। उसके बाद आपका जो लोड आएगा वो है 55 पे जब आप आओगे तो 55 पे आपका लोड आएगा 1.08 टन। उसके बाद आपका रेडियस आएगा 60 मीटर। तो 60 मीटर पे आपका जो एंडिंग है, जो एंडिंग में जो आपका लोड आएगा वो आएगा ओनली मतलब 100 kg ओनली आपका लोड आएगा, मतलब बहुत ही कम लोड आएगा फोर पोल में एंडिंग में। तो इसमें कोई मतलब नहीं बनता है, इतना कम लोड में तो कोई मतलब ही नहीं बनता है एंडिंग में, तो ये तो बात इम्पोर्टेंट नहीं है। तो इसके बाद बात करते हैं कि टू फोल के बारे में। टू फोल में कौन सा रेडियस पे कितना लोड आएगा। तो जैसे कि टू फोल में आप आओगे तो 0 से लेकर 30 मीटर के बीच का जो रेडियस है उसमें आपका आएगा 2.50 टन यानी 2.5 टन। उसके बाद आपका जो आएगा 40 मीटर पे जब आप आओगे तो आपको लोड वहाँ पे आएगा 1.72 टन। उसके बाद आओगे 45 पे तो 45 पे जो है आपका टू फोल में आएगा 1.44 टन। उसके बाद जब आओगे आप 50 मीटर पे तो 50 मीटर पे जो है आपका टू फोल में लोड आएगा 1.29 टन। उसके बाद जब आओगे आप मतलब 55 मीटर पे तो 55 मीटर पे जो आपका लोड आएगा वो आएगा 1.14 टन। उसके बाद एंडिंग जो कि है 60 मीटर पे आपका लोड आएगा 1 टन। तो ये जो एसी का क्रेन है इसके बारे में सारे जानकारी मैं आपको प्रोवाइड कर दिया हूँ। अगर आप लोगों को कोई भी क्रेन का जानकारी चाहिए हो या तो फिर इस क्रेन के बारे में और भी कुछ जानकारी चाहिए हो तो आप लोग मुझे कॉमेंट करो और वीडियो को आप लोग आगे भी शेयर करो ताकि हम और भी आगे वीडियो बनाने में आप लोगों का हेल्प कर सकूँ।